फ्रेंड्स नमस्कार। तो फ्रेंड्स देखंतु निज निज पंचायत रे सीओ पोस्ट पे एक बहुत बड़ा नियुक्ति आसी अछि। जदि आपण माने 10 प्लस 2 किमा प्लस 3 किमा पीजी पास करथिबे तबे एथि डिफरेंट टाइप रो पोस्ट अप्लाई करि परिबे। सबठरो बड़ कथा या जे आपण माने निज मोबाइल रे भी एथि अप्लाई करि परिबे। फ्रेंड्स एथि आपण माने किपरि अप्लाई करिबे यार स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस म आपण को वीडियो सेस रे कहिबि। जदि आपण माने अप्लाई करया पे इच्छा रखु छंती तबे वीडियो टिकु शेष अवजन देखंतु। चलंतु प्रथमे आलोचना करि नेबा जे कोन रहिछ यार ऑफिशियल नोटिफिकेशन टी। फ्रेंड्स जदि आपण माने निज जिल्ला आसुथिबा एई भली नुआ नुआ सरकारी जॉब रो न्यूज पाया पे चाहु छंती तबे हमरा चैनल टिकु सब्सक्राइब करि नियंतु एवं वीडियो टिकु भी गटिए लाइक कर दियंतु। फ्रेंड्स देखंतु एही पोस्ट रे केओ माने अप्लाई करि परिबे एथिरे ऑल ओडिसा रो पिला माने अप्लाई करि परिबे। आम ओडिसा रो समस्त जिल्ला रो पिला माने एही पोस्ट अप्लाई करि परिबे। उभय पुरुष ओ महिला माने मध्य एही पोस्ट अप्लाई करि परिबे। जदि आमे जॉब टाइप कथा कहिबा तबे एहा को परमानेंट जॉब रहिबो। देखंतु एथि पई दरमा भी 10,000 आरंभ होई 20,000 पर्यंत प्रति मास रहिबो। आपण माने एथिरे 10,000 20,000 पर्यंत पर मंथ सैलरी पाई परिबे। नेक्स्ट होची पोस्ट नेम। एथिरे मुख्यतः दुई प्रकार पोस्ट पे नियुक्ति आसी अछि। प्रथमतः रहिछि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बा सीओ पोस्ट पे एथिरे वैकेंसी रहिछि। नेक्स्ट होची एमआईएस असिस्टेंट पे एथिरे पोस्ट रहिबो। आपणकर क्वालिफिकेशन अनुसार जे कोनसी भी गोटिए पोस्ट अप्लाई करि परिबे। यहाँ पर देखंतु एथिपाई कौन सब एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहिबो। जदि आपण माने 10 प्लस 2 किंबा प्लस 3 किंबा पीजी भी पास करथिबे तबे एथि अप्लाई करि परिबे। आर्ट्स साइंस कॉमर्स जे कोनसी स्ट्रीम रे भी जदि आपण माने प्लस 2 किंबा प्लस 3 पास करथिबे तबे एथि अप्लाई करि परिबे। यहाँ पर देखंतु एथिपाई कौन सब एप्लीकेशन फी रहिबो। एथिपाई नो फी रहिछि। आपण को एथिरे कोनसी प्रकार एप्लीकेशन फी पे करिवार आवश्यक नाही। जदि आपण को कैटेगरी जनरल ओबीसी किंबा एससी एसटी जे कोनसी कैटेगरी भी आपण माने होइथिबे एथिरे फ्री रे अप्लाई करि परिबे कारण समस्तक पई फ्री रहिछि। नेक्स्ट होछि सिलेक्शन प्रोसेस। देखंतु एथि पई मार्क बेसिस नहि आपण को इंटरव्यू रहिबो एवं किछि रिटर्न टेस्ट भी रहिछि जहाँ कि सिंपल प्रोसेस रहिबो। जदि आपण को इंटरव्यू पर भाइबारे भलो परफॉर्मेंस रहुछि तो निश्चित रूपे आपण माने एथिरे सिलेक्शन पाई परिबे। शेष पजरे आपण को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहिछि तो पिला माने केवल एही दुई गोटी प्रोसेस द्वारा ही आपण माने एथिरे सिलेक्शन पाई परिबे। यह थिला यार सिलेक्शन प्रोसेस विषय रे किछि इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर देखंतु जेतेबेले आपण माने एथिरे अप्लाई करिबे अप्लाई कला समय रे किछि इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट गुडी कर आवश्यक पड़िबो। तो थरे देखनियंतु केउ केउ सब डॉक्यूमेंट रे आवश्यक पड़ुछि। जदि आपण को पाखरे एही सब इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट गुडी को नथिबो तेबे आपण माने एथिरे अप्लाई करि परिबे नाही। जदि भी अप्लाई करुछंती तो आपण को फॉर्म टी रिजेक्ट भी होई पारे। एथि पई थरे देखनियंतु प्रथमतः रहिछि आपण को ऑल क्वालिफिकेशन रो सर्टिफिकेट एवं तार मार्कशीट। आपण माने जेउ पोस्ट भी अप्लाई करिबे सही पोस्ट पे मेंशन थिबा क्वालिफिकेशन रो समस्त जेरॉक्स कॉपी आवश्यक पड़िबो बा पीडीएफ आवश्यक पड़िबो। गोटे फोटो आवश्यक पड़िबो। रेसिडेंट सर्टिफिकेट आवश्यक पड़िबो। जदि थिबो तो देबे जदि नथिबो कोनसी भी आवश्यक नाही। कास्ट सर्टिफिकेट एससी एसटी एससीबीसी जदि आपणकर कोनसी कास्ट होइथिबो तो आपण माने से कास्ट सर्टिफिकेट रो गोटे कॉपी टी पीडीएफ किंबा जेरॉक्स माध्यम रे सेंड करि परिबे। नेक्स्ट जो गोटे आईडी प्रूफ। देखंतु एथि आईडी प्रूफ रे तीनोटी ऑप्शन अछि। जदि आपण आधार कार्ड दउछन्ती तो भलो कथा। आधार कार्ड थिले आपण आधार कार्ड गोटे कॉपी टी को अटैच करि परिबे। तो पिला माने जते बेले अप्लाई करिवे अप्लाई कला समय रे एई चारोटी रु पांचटी डॉक्यूमेंट हे आवश्यक पड़िबो बेसी किछि आवश्यक नाही। नेक्स्ट होछि एप्लीकेशन मोड। एथि पई तो ऑनलाइन रहिछि ऑफलाइन भी रहिबो। आपणकर इंटरेस्ट अनुसार जे कोनसी प्रोसेस भी अप्लाई करि परिबे। मु आपणकु दुईटी प्रोसेस कहिबी। तो देखंतु आपण माने चाहिले एथि ईमेल माध्यम रे भी अप्लाई करि परिबे। देखंतु स्टार्टिंग डेट रहिछि स्टार्ट होइ सारिछि। तो पिला माने चालंतु एबे आलोचना करिबा जे आपण माने किपरि एही पोस्ट अप्लाई करिवे। म आपणकु एहार स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टी कहिबी। पिला माने देखंतु एथिरे आपण माने किपरि अप्लाई करिवे एहार स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टी म आपणके एबे कहिबी। एथि पई आपण माने ए वीडियो टी को शेष पर्यंत देखि नियंतु। प्रथमे आपण माने निज मोबाइल थिबा गूगल टी को ओपन करंतु। ओपन कला परे सर्च बॉक्स उपर क्लिक करंतु। देखंतु क्लिक कला परे सिंपली सर्च करंतु। कोन सर्च करिवे पिला माने देखंतु से सर्च बार ऑप्शन उपर क्लिक कला परे सिंपली सर्च करिवे लिखिबे ओडिसा देन स्पेस लिखिबे जॉब्स जे ओबीएस जॉब्स देन स्पेस लिखिबे अड्डा। देखि परथिबे माटा कोन टाइप करले सिंपली आपन माने एभली टाइप करिवे लिखिबे ओडिसा जॉब्स अड्डा। एभली लिखला परे पाखरथिबा सर्चर ऑप्शन उपर क्लिक करिवे। भलाबरे वीडियो टिकु देखिबे कारण टिके भी भूल जदि करुछन तो अप्लाई प्रोसेस रे मिस भी होई पारे। देखंतु
क्लिक कलापर आपको गुगल प्रथम पेज रे साइट देखा मिले ओडिशा जॉब्स आडर देखिपे एक ब्लाक कलर लग भी अच्छे आपको सहजरे देखा भी जाऊ तो सिंपली आपने ओडिशा जॉब्स आडर ऑप्शन उपरे क्लिक करूँ तो पिला देखते क्लिक कलापर आपखे यह किसी आसी आपण के भिन्न भिन्न कैटेगरी अनुसार जॉब गुड़क देखा मिले एटे देखते एक ऑप्शन अच्छी लेटेस्ट जॉब्स ए लेटेस्ट जॉब्स सेक्शन रे आपको दुई नंबर पोस्ट नोटिफिकेशन टी देखा मिले जहाँकि ओडिशा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बा सीईओ रिक्वायरमेंट 2023 रो नोटिफिकेशन टी देखा मिले तो सिंपली आप माने ए नोटिफिकेशन लिंक उपरे क्लिक करंतु पिला माने देखंतु क्लिक कला परे आपको ए पोस्ट सब इनफॉर्मेशन देखा मिले जेपर कि क्यों ऑर्गेनाइजेशन तरफ नोटिफिकेशन आसी क्यों क्यों पोस्ट आसी किपर अप्लाई करेंगे और लास्ट ईयर कौन रही से विषय भी लिखा जाए भला भाव चेक करेंगे और कौन क्वालिफिकेशन रिषय भी लिखा जाए एज लिमिट कौन रही सैलरी कैसे मिले से विषय भी मेनसन कराई भला भाव पढ़े मुझे तो फुल प्रोसेस टेदी एवं चलत डायरेक्ट देखा जे किपर अप्लाई करेंगे देखते एक इंपोर्टेंट लिंक अच्छी इंपोर्टेंट लिंक पाखे नोटिफिकेशन पीडीएफ लिंक अच्छी तो सिंपली आप नोटिफिकेशन पीडीएफ लिंक उपर क्लिक करूँ तो फ्रेंड्स देखो क्लिक कलापर आप सम्मेर पी डीएफ टी आसी जहाँकि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड एमआईएस असिस्टेंट नोटिफिकेशन टी आपको देखा मिले देखो डेट के रही से विषय भी लिखा जाए यहाँ पर देखो टोटल पोस्ट कैसे रही कौन क्वालिफिकेशन रिषय भी लिखा जाए देखो जदि आप सीईओ पोस्ट अप्लाई करवा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पोस्ट अप्लाई करेंगे तो ये आपर डिफरेंट टाइप क्वालिफिकेशन रही है जदि आप ग्रेजुएशन थी तेब भी अप्लाई करेंगे क्यों फील्ड में आपर ग्रेजुएशन थी से विषय भी मेनसन कर देखो जो आपंकर एज लिमिट रही आपणकर 18-35 रोज एवं एमआईएस असिस्टेंट 18-32 वर्ष बयस रोज देखो जदि आप एमआईएस इनचार्ज असिस्टेंट अप्लाई करेंगे तो ये आपंकर 10+2 पास होती या सहित मैथमेटिक्स मीनस आपंकर +2 रे मैथ सब्जेक्ट थी तेज अप्लाई करेंगे दरमा आपको 10,000 मिले सीओ पोस्ट 20,000 मिले मुझक पूर्वर तो कही एवं देखते इसे किपर अप्लाई करेंगे तार स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मेनसन कर तो आप सिंपली चेक करेंगे जे कौन क्यों पोस्ट में कौन सब प्रोसेस रोज जॉब प्रोफाइल कौन रही से विषय लिखा जाए सिंपली तलकू तलकू स्क्रॉल करेंगे क्वालिफिकेशन एज सब विषय मेनसन कर देखो आपको शेष एक आप्लिकेसन फर्म टी देखा मिले आप्लिकेसन फर्म द पोस्ट अफ सीईओ एंड अकाउंटेंट बा एमएस असिस्टेंट आपको आप्लिकेसन फर्म टी देखा मिले सिंपली फर्म टी फिल अप करेंगे प्रथम आपंकर नेम लिखे या फिर एड्रेस या फिर मोबाइल नंबर यहाँ पर आपंकर ईमेल एड्रेस डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपंकर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन विषय लिखे मेट्रिक रु आरंभ कर आपंकर +2+3 जहाँ भी थी से विषय लिखे यहाँ पर आपंकर किसी एक्सपीरियंस अच्छी तेज से विषय लिखे क्योंठ पाई एक्सपीरियंस केत बर्ष आपंकर एक्सपीरियंस अच्छी से विषय भी लिखे यहाँ पर देखो आपंक क्यों भाषा जना अच्छी से विषय लिखे इंग्लीश हिंदी ओडिया जहाँ भी थी से विषय लिखे तो पिला फर्म टी फिल अप करेंगे यहाँ आपंकर किसी जो इंपोर्टेंट जेरक्स अच्छी से जेरक्स टी आप अटाच करेंगे देखो पी डी एफ फर्म अटाच करेंगे अटाच कला देखो आप इमेल आड्रेस विषय कहुई मुझक पूर्व देखा इमेल आड्रेस टी से इमेल आड्रेस आप 15-9-2023 देखो आपंकर जो सरी फ्रेंड्स टी रुँ तो पिला देखो आप फास्ट पेज रहा डेट विषय देखा मिले 25-9 मीनस सेप्टेम्बर 25 पूर्व आपको ये फर्म अप्लाई करा पड़ो किपर अप्लाई करवा देखो आप इमेल आड्रेस भी देखा मिले देखिपे 25-9-2023 पूर्व आपको ये इमेल आड्रेस फर्म सहित आपंकर जेरक्स गुड़क पीडीएफ फॉर्मेट रे सेंड करने को पड़ो यहाँ आपको इंटरव्यू भी अटेंड करा पड़ो 28-9-2023 सुधा तो पिलाने पोस्ट अप्लाई करार संपूर्ण इनफर्मेसन जदि आपको किसी भी डाउट लगुच कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे देखो आपंकर जो एज रही 18-35 वर्ष और 18-32 वर्ष मिनिमम +2 पास करते अप्लाई करें कौन कौन स्ट्रीम थी से विषय तो लिखा था तो पिला संपूर्ण इनफर्मेसन जदि आपको किसी भी डाउट लगुच कमेंट सेक्शन में कमेंट करें।